बिल्कुल जी बिल्कुल असी अपने फेडरेशन के इस इजलास के मते दे रूप के इस चीज़ में इस रेजोल्यूशन प्रेजेंट करांगे ते यही जो मंग है यही जो साडा हक बनता है ये समेत पंजाब के जिहड़े बाकी हक ने भावें पाणियां का मुद्दा होवे पंजाबी बोलदे इलाकियां का मुद्दा होवे आपां आनंदपुर साहब की रेजोल्यूशन भी समर्पित जिहड़ा है वह अपनी मंग रखांगे। दूसरी गल कि मौजूदा समय के विच जिहड़े हालात पैदा किए जा रहे हैं कि सिखां नूं किसी दूसरी कौम नाल लड़ा दिओ जे दूसरी कौम तो वेल होवे तो तीसरी नाल लड़ा दिओ इस चीज़ नूं लैके भी असी जिहड़े आ नौजवानों नूं सुचेत करांगे जो पंजाब दे विच माहौल खराब करन दी कोशिश की जा रही है तो उस नूं असी उहदी जिहड़ी है उहदे असी खिलाफ़ हैं कि एक अमन शांति का माहौल जो पंजाब दे विच होना चाहिए है जो सिखां नूं एक बुरे रूप दे विच दिखाउण दी साजिश जिहड़ी है स्टेट कर रही है असी उस चीज़ नूं भी जिहड़ा इजलास दे विच एड्रैस करांगे। लेकिन सुखबीर सिंह बादल कह रहे हैं कि जिन्हें फेडरेशन ने इकट्ठिया हो अकाली दल नूं सपोर्ट करन तां जो कि अकाली दल अगे आ रहे ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन की भाई साहब जी एक आजाद हस्ती है वो असी मेनटेन करांगे पर असी किसी पोलीटल पार्टी मौजूदा किसी भी पोलीटल लीडरशिप न चल के असी वर्किंग जीडिया नहीं कर सकते असी गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह तो सीध लैके चल सकते हैं कोई पंथ प्रमाणित लीडरशिप पैदा होएगी भावें यूथ करे क्योंकि यूथ ही कौम की रीढ़ की हड्डी होंगी है यूथ ही कौम का भविख हों सो इस करके जो पंथ प्रमाणित लीडरशिप होंगी है तो वो असी जो वर्क कर सकते हैं या नौजवानों के ही लीडरशिप जी पैदा होगी मौजूदा किसी लीडरशिप ने असं कम नहीं देखो जी ये जो समा बना बनेगा कोई हालात बनने तो फिर आप जी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गल कर लेंगे। मौजूदा जो अज की मंग है वो ये है कि नौजवानों एक तो नशा तो लाया जाए पौधत पुने तो पासे किया जाए जी नफरत की राजनीति अजक चल रही है कि हिंदू सिख न लड़ा दो मुसलमान न लड़ा दो कभी सिख न ईसाई लड़ा दो इधरों पहला परे करने की लोड़ है जो तो नफरत देखो सब तो आपको जी सब तो पहला जो पंजा प्यारे का नाम लैने दया सिंह तो शुरू करते हैं ठीक है ना तो आपको पहला जी अप्रोच है गुरु महाराज ने अपन हुक्म किया है कि जो गलबात निबड़ती हो तो उदो गलबात नबेड़ लेनी चाहिए है तो जे ना निबड़ती हो फिर जरा महाराज ने सू शस्त्र का भी हक दिता है पर असी चाहते हैं कि जेडे अखौती इधर बैठे ने अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहते हैं तो उन्होंने पहला क्लीन किया जाए पहले देखो प्रशासन की जिम्मेवारी होंगी है कि एक्शन गलत एक्शन रोकना ना कि जो रिएक्शन बाद चो पैदा होंगे क्योंकि हर तरह के लोग जोड़े है वह मौजूद ने सोसाइटी के कोई चंगे प्रतिक्रम आ सकते कोई माड़ा प्रतिक्रम आ सकता है पर जिथे गुरु महाराज की अजमत की गल आ जाएगी तो उधर फिर सिख बर्दाश्त नहीं करेंगे वो एक्शन जो बेअदबिया की एक्शन हो रहे हैं जो बिड़ी सुट्टे वाले एक्शन हो रहे हैं उन्होंने रोकना प्रशासन की जी जिम्मेवारी बनती तो उन्होंने पहचाननी चाहिए। आनंदपुर साहब का रेजोल्यूशन पढ़िए पहला तो पवित्र शहर का दर्जा हो जाए तो एवं दल्ला ही निबड़ जाए हूँ कुरुक्षेत्र है की गल अमृतसर नहीं हो सकता क्योंकि वेखो वेखो ये फैडरेशन ने ही मता रखिया उस गलते आ रहा मैं कि फैडरेशन ने भी ये मते रखे हुए ने आप कभी स्पीचा सुन के वेखिया फैडरेशन दया हुई दीवान हलमंजी साहब के सो ये कुरुक्षेत्र मिल सकता है जे हरिद्वार को मिल सकता है सारे पास हो सकता है कि सिखा वितकरा नहीं करना चाहिए पहला तो यह गल् ही खत्म हो जाएगियाँ आप क्यों इस चीज़ पर इस मोड़ पर लैके आने हैं कि ये जो भड़काऊ हालात पैदा हो तो उस तो बाद ऐसे कर्म प्रतिक्रम होंगे मैं समझता स्टेट को अपनी रिस्पोंसिबिलिटी समझनी चाहिए है अकिरत घनता छड के ते जो है सिखां दे हक बनते हैं उन्होंने पहचान के तो सिखां नूं देनी चाहिए। भाई साहब जी मैं पहला भी बेनती की है कि किसी भी लीडर उहदे एक्शनस तो पहचानो जो उन्होंने बयान दिता उन्हां दी मर्जी है पर ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन पंजाब दे हकां लई जथेबंद है तो असी समूह नौजवान जथेबंदियों ये अपील करते हैं बेनती भी करते हैं कि आओ एक सांझे प्लेटफॉर्म से केसरी निशान हेठ इकत्र होइए तो पंजाब दे लई पंजाब दे लई ते सिखां दे हकां दे लई आपां जथेबंद होके तो यतनशील होकर कार्ज करिए। वेखो जी
ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਥ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਥ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਜਾਵੇਗਾ ਯੂਥ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਜੇਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗਾਤਰਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੱਟ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਭਾਪਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਏਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।